हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके बाय बुक। आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग। तो इटली के वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेड्डी ने सन 1668 ईस्वी में एक प्रयोग किया था, जिसमें इन्होंने वान हेलमॉन्ट के विरोध में ये एक्सपेरिमेंट किया था। और इन्होंने यह सिद्ध किया था, यानी कि जो जीवात उत्पत्ति सिद्धांत था उसको इन्होंने गलत प्रतिपादित किया था। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, हम आपको इमेज की सहायता से बताएंगे। तो सबसे पहले फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या किया था, इन्होंने मांस के टुकड़े को लिया और उसे छोटे छोटे पीस में काट लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस मांस के टुकड़ों को उबाल दिया ताकि उसके जो उसमें जो किसी प्रकार के भी जीव हों वो नष्ट हो जाए। तो जो उसको उबालने के बाद इन्होंने तीन जार लिया, जैसे फर्स्ट जार ए, सेकंड जार थर्ड जार, इन्होंने तीन जार लिया और तीनों जारों में छोटे छोटे मांस के टुकड़े को, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे मांस के टुकड़ों को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे तो जो मेरा फर्स्ट जार था, फर्स्ट जार में इन्होंने फर्स्ट जार को खुला छोड़ दिया और सेकंड जार को इन्होंने पार्चमेंट कागज से ढक दिया, और जो मेरा थर्ड जार था उसको महीन कपड़े से ढक दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन के बाद जब उसे प्रेक्षण किया तो उन्होंने देखा जो मेरा ये फर्स्ट जार था जो कि किसी चीज से नहीं ढका था, उसमें जो है मक्खियां आकर के अपने सारे अंडे दे दी थी, और जिससे क्या हुआ था, इसमें मक्खियों के लार्वा उत्पन्न हो गए थे। और जो मेरा सेकंड जार भी था, सेकंड जार भी में पार्चमेंट कागज से क्योंकि ये ढका था तो कोई भी मक्खी आकर के इसमें अपना लार्वा नहीं छोड़ पाई और अपने अंडे नहीं दे पाई। इससे क्या हुआ, जो मतलब मेरा जार भी था उसमें ना तो मांस तड़ा और ना ही उसमें किसी प्रकार के सूक्ष्मजीव उत्पन्न हुए। और जो मेरा थर्ड जार था उसमें महीन कपड़े से इसको ढके थे, बांधे थे, तो इससे क्या हुआ कि इसमें सूक्ष्मजीव उत्पन्न हो गए थे, क्योंकि ये जो मक्खी थी, मक्खी तो जा नहीं पाई, तो जो सूक्ष्मजीव थे, सूक्ष्मजीव इसके अंदर आ जाते हैं और इसमें जो मांस था वो मांस सड़ जाता है, ठीक है, जो मांस होता है सड़ जाता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं बाहर से आते हैं, और जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो बाहर से आते हैं और अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। तो ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया, तो इससे क्या हुआ कि जो स्वतः जनन सिद्धांत था वह गलत हो गया,